तेज रफ्तार जिंदगी में आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए आपके वक्त की कीमत को समझते हुए हम आपके लिए लाए हैं त्वरित। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज निकल रही है यात्रा। अगले एक घंटे में आप देखेंगे हर क्षेत्र के बड़े समाचार, साथ में आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबर त्वरित विशेष में। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार आपको दिखाते हैं पुरी और अहमदाबाद की तस्वीरें। तो कल यात्रा निकली थी पुरी और अहमदाबाद में, कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। बढ़ते आगे, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर गए पीएम मोदी कल रात अचानक सड़क पर निकल पड़े। उन्होंने तय कार्यक्रम से हटकर कई जगहों का औचक निरीक्षण किया। रास्ते में कई जगह लोग उनका इंतजार करते नजर आए। वहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारे लगाए। बेचू के काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पीएम मोदी ने पूजा भी की। पीएम मोदी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल आजमगढ़ की रैली में मोदी ने भी पूछा कि क्या कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है या महिलाओं की भी है। मोदी ने उर्दू अखबार की खबर को लेकर निशाना साधा। अखबार में छपी थी खबर कि राहुल ने कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताया है। मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी कहा था कि मुस्लिमों का देश के संविधान पर पहला हक है। प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हार के डर से आपा खो रहे हैं और बौखलाए हुए हैं। सुरजेवाला यही नहीं रखे, उन्होंने मोदी को झूठों का सरदार तक कह दिया। सुरजेवाला ने मोदी सरकार की ओर से किए वादे अब तक पूरे ना होने का मुद्दा उठाया। हार के डर से अपना आपा खाए मोदी जी आज पसीना पोंछ पोंछ कर समाज में नफरत व बंटवारे का जहर घोलते नजर आए। सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी वे श्री राहुल गांधी से बदले की आग में वो धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो चुके हैं। जुमलों की किश्ती में सवार झूठों के सरदार मोदी जी अपनी नाकामियों के चलते घबराए व बौखलाए हुए हैं। पीएम पद की मर्यादा को दरकिनार कर वो आज राहुल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर झूठ घड़कर देश को बरगलाते व बहकाते नजर आए हैं। पर वो जान ले के गोडसे के उत्तराधिकारी कभी भी गांधीवादी विचारधारा को नहीं हरा सकते। सीमा पर प्रहार कब रुकेगा, नारी पर वार कब रुकेगा और अच्छे दिन कब आएंगे। पर अब लगता है कि अच्छे दिन तब आएंगे जब मोदी जी सत्ता से जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कह चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है। कल यूपी के आजमगढ़ में पीएम मोदी ने मंदुरी हवाई पट्टी पर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लिए लाइफलाइन साबित हुआ होगा, इससे कई जिले आपस में जुड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 23,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा आएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे की आधारशिला को छलावा करार दिया। मायावती ने कहा कि अगर 2014 में सरकार बनते ही इसकी आधारशिला रख दी गई होती तो मोदी आज इसका उद्घाटन कर रहे होते। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम ने काशी को फिर स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की बात कही। मोदी ने यहां करीब 1,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। पूर्वांचल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मोदी आज मिर्जापुर भी जाएंगे जहां मेडिकल कॉलेज और बाणसार परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 से पहले वाराणसी की उपेक्षा की गई, लेकिन सांसद के तौर पर मोदी ने काशी का गौरवपूर्ण विकास किया। यही वजह है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी आना चाहते हैं। राम मंदिर को लेकर बीजेपी में विवाद, तेलंगाना बीजेपी नेता पर आला शेखर का दावा। बैठक में अमित शाह ने कहा 2019 के चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा राम मंदिर पर काम, बीजेपी ने इसका खंडन किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी नेता पी शेखर के बयान से बीजेपी ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह और आरएसएस पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि क्या अमित शाह कोर्ट का फैसला तय करने वाले हैं। आज से गुजरात के सोमनाथ में आरएसएस प्रचारकों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में शिक्षा से जुड़े विषयों, संगठन से जुड़े कामकाज और संघ की उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है। ये सम्मेलन 17 जुलाई तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन हर साल अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा, ओडिशा की रहने वाली नृत्यांगना सोनल मानसिंह, शिल्पकार रघुनाथ महापात्र और दलितों किसानों की बेहतरी के लिए काम करने वाले राम सकल सिंह को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राहुल गांधी ने कल चुनावी राज्यों वाले नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इसी साल के आखिर में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ता की तरफ से भेंट किया गया नारियल फेंकते दिख रहे हैं। घटना 10 जुलाई की बताई जा रही है। कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को नारियल दिया, जिसे थोड़ी देर आगे बढ़ने पर सिंधिया ने कार से सड़क पर फेंक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन पर मोहर लगा दी है। बीजेपी को हराने के लिए ये दोनों पार्टियां मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। कल राहुल ने दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और दूसरे नेताओं के साथ बैठक में फैसला लिया। सेक्रेट गेम्स वेब सीरीज में पूर्व पीएम राजीव गांधी की छवि गलत ढंग से पेश करने के आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसी काल्पनिक कार्यक्रम के एक पात्र के नजरिए से यह सच नहीं बदलने वाला कि मेरे पिता देश के लिए जिए और मरे। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों में दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में आज से बदलाव हो रहा है। सूप की जगह अब यात्रियों को ग्रीन टी मिलेगी। वहीं ढोकला, उपमा, इडली, सांभर का विकल्प खत्म किया गया है, जबकि खाने में बोनलेस चिकन को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के बाद आज से यूपी में पॉलिथीन पर बैन। उत्तर प्रदेश में अब 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। योगी सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाने जा रही है। इसका उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना या 6 माह तक की सजा हो सकती है। यूपी में सरकारी डॉक्टरों को बड़ी राहत, अब इन डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट होगी। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर पालघर में हाई टाइड के चलते समुद्र किनारे बसे गांव में पानी घुसा। इलाके में पानी घुसने से लोगों में डर का माहौल है। मौसम विभाग की तरफ से इस हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर का बुरा हाल है। यहां मंदिरों में भी पानी घुस चुका है। गुरुग्राम में बारिश के बाद रोड पर भरा पानी, आम आदमी पार्टी ने फसल लगाकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के बाजड़ा गांव में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नाला पार करने को मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए रस्सी के सहारे नाला पार करना पड़ता है। गांव वालों ने कई बार पुलिया बनाने की मांग की प्रशासन से, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बड़ा हादसा होते होते बच गया। बलदेवगढ़ मार्ग पर यात्रियों से भरी बस नाले पर बने पुल में फंस गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। पानी इतना ज्यादा था कि बस आधे से ज्यादा डूब गई। यात्रियों ने बस की छत पर चढ़कर जान बचाई। इसके बाद रस्सियों के सहारे यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश से सारा शहर समंदर में बदल गया। नगर पालिका की उदासीनता के चलते सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस गया। समय पर पानी की निकासी के इंतजाम नहीं करने से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश से सीहोर में नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं लोग। खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई।
एमपी की विदिशा में भारी बारिश से कलेक्ट्रेट के बगल में स्थित स्कूल पूरी तरह तालाब में बदल गया। बच्चों को घुटने से ज्यादा पानी को पार करके क्लासरूम तक पहुंचना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि क्लासरूम में भी पानी भर गया। एमपी के रतलाम में नगर निगम ने सड़क ठीक नहीं कराई तो बीजेपी पार्षद सीमा टांग कीचड़ में धरना देने बैठ गई। दरअसल महिला पार्षद की मांग है कि उनके वार्ड में सड़क की मरम्मत की जाए जिससे सड़क पर कीचड़ जमा ना हो। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में जमकर बारिश हो रही है। नवसारी, अमरेली, गीर सोमनाथ, पोरबंदर में अच्छी बारिश से नदी नाले बांध लबालब भरे हुए हैं। कई इलाकों में बारिश से जहां लोग खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर ज्यादा बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजस्थान के सीकर में फतेहपुर में रेलवे अंडरपास में एक बस फंस गई जिसके बाद में क्रेन की मदद से निकाला गया। बस में कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे छात्र सवार थे। लोगों का आरोप है कि अंडरपास से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हिमाचल की कुल्लू में हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव की यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू होगी। यात्रा से पहले ही करीब 5,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कुल्लू में 18,500 फीट की ऊंचाई पर है 72 फीट ऊंचा शिवलिंग। यूपी के मेरठ में एक अनोखा मामला सामने आया है। मेरठ के खरखोदा के एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने अपने क्षेत्र में गोकशी होने का दावा कर अपने और साथी पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बिहार के गया से मुस्लिमों की पवित्र धार्मिक यात्रा हज के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। 150 लोगों के पहले जत्थे का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद अहमद ने एयरपोर्ट पर गुलाब देकर स्वागत किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।